बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगी गोली, अपनी ही बंदूक से हुए जख्मी। इस बीच बॉलीवुड से बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जख्मी हो गए हैं, उनके पैर में गोली लग गई है। ये घटना आज सुबह 4:45 बजे की है। गोविंदा सुबह कहीं जाने के लिए निकल रहे थे, उसी समय गलती से मिस फायर हो गया था, जिसके बाद गोविंदा को CRITI केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक गोली चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने गोविंदा की बंदूक को अपने कब्जे में ले ली है, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोली लगने के बाद गोविंदा के पैर से काफी खून बह रहा था, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई है। फिलहाल गोविंदा अंधेरी के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती है, मामले की जाँच की जा रही है। घर के सदस्यों के बयान दर्ज कर रही है पुलिस। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया है कि एक्टर की हालत अब खतरे से बाहर है। गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वो रिवॉल्वर को साफ करके अलमारी में रखी रहे थे। इस दौरान पिस्तौल जमीन पर गिर गए, जिसके बाद मिस फायर हो गया। उनके घुटनों के नीचे गोली लगी है, कोई घबराने की बात नहीं है। गोविंदा की बेटी टीना आहूजा ने कहा है कि पापा इस वक्त ICU में ही मौजूद हैं, अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मगर बता दूं कि पापा की सेहत पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है। गोली लगने के बाद उनका ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सफल रहा, सारे टेस्ट भी डॉक्टर्स ने कर लिए हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस समय मुंबई में नहीं है। जैसे ही उन्हें गोविंदा को गोली लगने के बारे में पता चला तो वो मुंबई के लिए रवाना हुई। बता दें गोविंदा ने इन दिनों एक्टिंग की दुनिया से दूरी बनाई हुई है, वे लंबे समय से फिल्मी दुनिया से बाहर रहे हैं। हालांकि उनके म्यूजिक वीडियोस आते रहते हैं, इसके साथ ही वो कई रियलिटी शो में भी नज़र आते रहते हैं। टीवी पर गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ नज़र आते रहे हैं, जहां पर कई बार वो अपनी प्रोफेशनल तो कभी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसे खुलासे करते हैं जिनके बारे में फैंस को पता भी नहीं होता। फिलहाल इस वक्त गोविंदा की तबीयत ठीक है